श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, पूज्य गुरुदेव द्वारा श्रावण मास की शिवरात्रि के दिन हर बार की तरह इस बार भी पूजन का आयोजन रखा गया है। और आपको बता दें कि श्रावण की शिवरात्रि इस बार दो पड़ रही हैं, जो कि एक है 15 जुलाई की और दूसरी 16 अगस्त की। इस बार दो सावन पड़ रहे हैं तो शिवरात्रि भी दो पड़ेंगी। और आप शिवरात्रि का पूजन पूरे परिवार के साथ मिलकर करें और इसमें क्या सामग्री लगेगी और पूज्य गुरुदेव किस समय यह पूजन करवाएंगे, सारी जानकारी हम देने वाले हैं। संपूर्ण सामग्री, शिवलिंग किस मिट्टी के बनाने हैं, वो सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई नया उपाय बताएंगे आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचेगा। ये जानते हैं सबसे पहले मिट्टी कौन सी लेना है, किस व्यक्ति को किस मिट्टी से शिवलिंग बनाने हैं। तो देखिए, आपको मिट्टी ले लेनी है। आप अगर कहीं ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां पर आपको मिट्टी आसानी से मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने घर के किसी भी गमले से मिट्टी ले सकते हैं। तुलसी के गमले से ना लें, बाकी किसी भी गमले की मिट्टी से आप शिवलिंग बना सकते हैं। और गुरुजी द्वारा बताया गया है कि ब्राह्मण जो होते हैं, जो लोग ब्राह्मण समाज में आते हैं, उन्हें सफ़ेद मिट्टी के शिवलिंग बनाने हैं और शूद्र जो होते हैं उन्हें काले मिट्टी के शिवलिंग बनाने हैं। काली मिट्टी जो होती है वह शूद्र लोग बनाएं उससे शिवलिंग, वैश्य लोग जो होते हैं वो पीली मिट्टी से शिवलिंग बनाएंगे और क्षत्रिय लोग जो होंगे वे लाल मिट्टी से शिवलिंग बनाएंगे। आप अगर शिवलिंग बनाने में असमर्थ हैं, आपको मिट्टी नहीं मिल रही है उस कलर की, तो आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं लें। जो भी आपको मिट्टी मिल जाती है उससे आप शिवलिंग का निर्माण करें। शिवलिंग का निर्माण करते समय आपको 5 या 7 काली मिर्च कूट करके बारीक करके उस मिट्टी में मिला लेनी है। अब जो ब्राह्मण लोग हैं, सफ़ेद मिट्टी नहीं मिल पा रही है, तो वो शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन या अबीर का लेपन करें, अबीर छिड़क दें, जिससे कि शिवलिंग सफ़ेद कलर के हो जाएंगे और आप शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। शूद्र जो हैं काली मिट्टी की पूजा करें, काली मिट्टी के शिवलिंग बना लें। काली मिट्टी आसानी से कहीं भी मिल जाएगी, नदी के किनारे की मिट्टी भी काली मिट्टी होती है, आप ले आएँ, काली मिट्टी आसानी से मिल जाती है। वैश्य लोग पीली मिट्टी से शिवलिंग बनाएंगे, तो पीली मिट्टी आपको नहीं मिल पाती है तो नॉर्मल मिट्टी से शिवलिंग बना लें और उस पर आप पीले चंदन का लेपन कर दें तो पीली मिट्टी का शिवलिंग बन जाएगा। क्षत्रिय लोग लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाएंगे, लाल मिट्टी अगर नहीं मिल पाती है तो नॉर्मल मिट्टी से शिवलिंग बना लें, उस पर लाल चंदन का लेपन करें जिससे कि लाल शिवलिंग बन जाएंगे। इस तरीके से आपको शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। ध्यान रखिएगा कि शिवलिंग का जब भी आप निर्माण करते रहें तो आपके मन में अच्छे विचार हों, अच्छे मन से आप जो भी मनोकामना चाहते हैं वह बोलते हुए, भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए शिवलिंग का निर्माण करें। और ध्यान रखें कि आप शिवलिंग का निर्माण जल्द से जल्द सुबह के समय कर लें, जिससे कि जो मिट्टी होती है वो टाइट हो जाती है। 5 से 6 घंटे पहले, आप पूजन के 5 से 6 घंटे पहले शिवलिंग का निर्माण करके रख लें। इसके बाद आप अगर पूजा करते हैं तो वह मिट्टी जल्द से जल्द गलती नहीं है, जिससे कि आपकी पूजा अच्छे से संपन्न हो जाती है। अगली बात है कि गुरुजी द्वारा बताया गया है कि आप जब भी पूजा करने बैठेंगे तो दक्षिण दिशा की ओर आप बैठेंगे और उत्तर दिशा की ओर आपका मुख रहेगा। उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप बैठें और रात्रि के 9 बजे यह पूजन किया जाएगा। तो परिवार के पूरे सदस्य अलग अलग सामग्री लेके बैठें। कुछ सामग्रियां ऐसी होती हैं जो कि अलग अलग ही लेना है आपको, पूरे परिवार के लोग साथ में पूजा कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि शिवलिंग एक ही बना सकते हैं, लेकिन आपको सामग्री अलग अलग लेनी है, यानी परिवार में 5 लोग हैं तो 5 अलग अलग सामग्री सभी लोगों को ले लेनी है। अब आपको बता दें कि क्या क्या सामग्री लेनी है, तो नोट करते जाइएगा या फिर इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर लीजिएगा। आइए सामग्री जानते हैं। सबसे पहले आपको ले लेना है जल। जल इतना भरकर रख लें कि जल का अभिषेक हर एक सामग्री को अर्पित करने के बाद होगा, तो आप एक बड़ी सी तपेली में जल भरकर रख लें। उसके बाद चाहिए आपको 5 कमलगट्टे। 5 कमलगट्टे ले लेने हैं। अगर आपके पास 5 सदस्य हैं आपके घर में तो 5 अलग अलग कमलगट्टे 5-5 सभी को ले लेने हैं। इस तरीके से हर एक सामग्री अलग अलग ही बनानी है। कुल मिलाकर मतलब यह है कि सबकी थाली अलग अलग सजानी है। 21 गेहूं के दाने ले लेने हैं, 108 चावल के दाने लेने हैं। ध्यान रखिए चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। 21 काली मिर्च के दाने लेने हैं, 7 शमी पत्र लेने हैं। शमी का पुष्प मिल जाता है तो और ज़्यादा अच्छा है।
इसके बाद आपको दुर्वा ले लेनी है। दुर्वा घास अपने हिसाब से 7, 21, 51 जैसी आपको मिल जाए। सफ़ेद फूल ले लेना है, ध्यान रखिएगा सफ़ेद फूल कोई भी चल सकता है, लेकिन केतकी का पुष्प ना लें, केतकी का पुष्प शिव जी को नहीं चढ़ाया जाता है। उसके बाद आपको 21 लाल गुलाब के फूल ले लेने हैं। 21 लाल गुलाब के फूल अगर आपको नहीं मिल पाते हैं तो आपको एक फूल भी अगर मिलता है तो उसकी 21 पंखुड़ी आप ले लें और वो शिव जी को अर्पित करें। उसके बाद आपको एक धतूरा ले लेना है और उसके बाद आपको लेना है अबीर। 3 सुपारी चाहिए, एक तो संकल्प लेने के लिए ज़रूरी होगी, एक गणेश जी का निर्माण करने के लिए और एक गौरा जी का निर्माण करने के लिए। 3 सैगी सुपारी चाहिए आपको। 2 दीपक ले लेने हैं गोल बाती वाले, जिनमें गाय का घी होना चाहिए। दीपक में ध्यान रखिएगा गाय का घी होना चाहिए। पंचामृत अलग से बना करके रख लेना है। 5 चीज़ों को मिला करके, दूध, दही, शक्कर, घी और शहद, इन चीज़ों को मिला करके पंचामृत बनाना है। उसके अलावा गाय का दूध कच्चा अलग से भी रखना है आपको। 21 बेलपत्र ले लेने हैं। बेलपत्र ध्यान रखिएगा कटे फटे नहीं होना चाहिए। 21 बेलपत्र सहगे होना चाहिए, जिनके पीछे से गांठ टूटी हुई हो, डंडी की गांठ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको अन्य सामग्री है, जैसे कि इत्र, कलावा, जनेऊ, लाल चंदन, धूप बत्ती, 5 प्रकार के फल या फिर 2 प्रकार के फल, एक्स्ट्रा मिठाई वगैरह आप ले लें। भोग लगाने के लिए जो भी आप अपने घर में सामग्री बनाते हैं, हलवा, खीर या भगवान को भोग लगाने के लिए अपने सच्चे मन से जो भी आप भोग लगाना चाहें मीठे का, वो बना लें। इसके बाद आपको धूप, दीप, जनेऊ, अगरबत्ती, कपूर, एक्स्ट्रा चीज़ें ये सारी होती हैं, वो भी आपको अपने पूजा की थाली में रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आप आसन पर ही बैठें। एक मोटा ऊन से बना हुआ आसन होना चाहिए। ऊन से बने हुए आसन पर आप बैठें और इस पूजा को संपन्न करें। यह पूजा लाइव आयोजन रखा गया है, तो यह पूजा आस्था चैनल के माध्यम से भी बताई जाएगी, पूज्य गुरुदेव द्वारा और उनके यूट्यूब चैनल के द्वारा बताई जाएगी, फेसबुक चैनल के द्वारा भी बताई जाएगी। तो आप लाइव पूजा करें और ध्यान रखें कि जो घर में जितने भी सदस्य हैं, 2 ही दीपक रखेंगे, उन्हीं दीपक से आपको आरती करनी है। दीपक 2 होना चाहिए, बाकी सारी सामग्रियां सबकी अलग अलग होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें, शिवलिंग भी आप एक ही बनाएं। परिवार में जितने भी लोग हैं एक ही शिवलिंग पर पूजा करेंगे, लेकिन अपनी अपनी सामग्री से पूजा करेंगे। गुरुदेव द्वारा बताया गया है कि यह पूजा अपने मन की कामना की पूर्ति के लिए होती है। घर में सुख समृद्धि और धन की वृद्धि के लिए महाशिवरात्रि, सावन की महाशिवरात्रि के दिन इस पूजा को रखा गया है। रात को करेक्ट 9 बजे यह पूजा रखी गई है और आपको टीवी के सामने बैठ जाना है। मोबाइल, लैपटॉप जो भी है आपके घर में, उसके सामने बैठ करके आपको पूजा करनी है। जैसे गुरुदेव बताते जाएंगे वैसे वैसे आपको पूजा करनी है। पूज्य गुरुदेव द्वारा बताया गया है कि यह शिवरात्रि की पूजा बहुत ही ज़्यादा फलदायी होती है। सावन मास में जो शिवरात्रि पड़ती है, यह बहुत बड़ी शिवरात्रि मानी जाती है और इस शिवरात्रि पर आप जो भी मनोकामना मांगेंगे वह आपकी पूरी होगी ही होगी। घर में दुख, दर्द और क्लेश खत्म हो जाएंगे। जो भी आपकी संबंधी आपसे जो भी परेशानियां हैं सारी दूर हो जाएंगी। दर्शकों, हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। कोई जानकारी और चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।